हेलो गाइस, आप कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, और ये बहुत ही इजीली बन जाती है और आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए थे। ये देखिए, इसका मेन इंग्रेडिएंट है चने की दाल। तो ये मैंने चने की दाल ले ली है, और बाकी हम क्या क्या इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे वो भी आगे देखिएगा। ये चने की दाल को मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके और इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था। आप इसको 3-4 बार धो लीजिएगा अच्छे साफ पानी से। और ये मैंने इसमें डालने के लिए हरी चटनी बनाई थी, तो ये मैंने पुदीना की पत्ती ली है, हरा धनिया लिया है मैंने, और ये 4 हरी मिर्ची ली है मैंने, और 4-5 लहसुन लिए हैं, और 1/2 इंच के लगभग मैंने अदरक लिया था। और ये देखिए, ये मेरा मिस हो गया था थोड़ा सा, मैंने उस दाल को बॉईल कर लिया था। बिल्कुल हमें बहुत कम पानी डाल के दाल को बॉईल करना है, और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था और थोड़ी सी हींग बस। और इस तरीके से आप चाहें तो मिक्सर में पीस लीजिएगा, बट मैंने तो इसमें ही जो लहसुन कूटते हैं ना, उसी से मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया था। हमें इसे बहुत ज़्यादा भी मैश नहीं करना है, क्योंकि जब हम पकाएंगे ना तब भी ये फ्रेंड्स मैश हो जाती है। अब हम एक पैन ले लेंगे, इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल का ले लिया है। और ये देखिए, अब हमारा ऑयल, जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, और सौंफ ऐड की है मैंने इसमें, और ये रेसिपी है ना बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो एक बार आप ज़रूर से बना कर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी थी, और ये बहुत ही नई तरह की रेसिपी है। और इसमें हमने जो चने की दाल हमने पीस के रखी है वो हमने मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए, इसको हमें चलाते जाना है, क्योंकि हमारा तेल थोड़ा सा गर्म है, तो हमें डालते जाना है और थोड़ा चलाते भी जाना है। ये देखिए, अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे और हम इसको अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। नमक मैंने बॉईल करते समय भी डाला था, बस इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक और ऐड करूँगी। और ये देखिए, चटनी मैंने जो मिक्सचर लिया था हरा धनिया वगैरह, उसकी हमने पतला सा पीस कर तैयार कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और 1/2 मैंने इसमें से निकाल लिया था चटनी के लिए। ये देखिए, अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और खूब अच्छे से हमें इसको फ्राई करना है। बस इसमें हमारा बस इतना ही यही टाइम ज़्यादा लगता है थोड़ा सा, जब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अब मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची ली है, और 1/2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे कहने से आप एक बार ज़रूर से बनाकर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप बच्चों को इसको ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, लंच में भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो मिक्सचर है वो भुन करके रेडी हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने रख देंगे थोड़ा सा। आप हाथ में लेके चेक कर लीजिएगा, जब हमारा मिक्सचर अच्छे से मिलने लग जाए तो बस अब आप गैस को ऑफ कर दीजिएगा। और अब हम इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे, बिल्कुल हमें इसे मिक्सचर को ठंडा करना है। जब ये आपका मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो आराम से इजीली बाइंड, बहुत जल्दी बाइंड होगा। ये देखिए, अब हम इसके पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए जो आप आटा गूंदिएगा वो बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदिएगा, बहुत ज़्यादा कट्ठा आटा नहीं गूंदना है हमें। और हम इसके इस तरीके से बराबर लोइयां काट लेंगे, ताकि आपके जो पराठे हैं वो बराबर बने। और हम इनका भी इस मिक्सचर का, देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया। अब हम इसके इस तरीके से लड्डू बना लेंगे। आप चाहें तो चम्मच से साथ के साथ में भी भर सकते हैं, बट मैंने एक मेजरमेंट के लिए सभी एक साइज़ के लड्डू जैसे बना लिए थे। ये देखिए, और अब हम इसको इस तरीके से फिर बनाएंगे आटे का। इस तरीके से देखिए फिर बनाएंगे, और इस तरीके से हम डो को फिल कर देंगे। ये देखिए,
और इसे हमें हल्के हाथों से ही फिल करना है और हल्के हाथों से ही दबाते जाना है। इसी तरीके से मैंने सारी लोइयों को भर लिया था, मतलब 4-5 लोई भर ली थी। ये देखिए, एक और बार दिखा देती हूँ, मैं इस तरीके से फिल किया था मैंने। और इस तरीके से आप बना लीजिए, जैसे हम मोमो का आलू का पराठा भरते हैं ना, बस उसी तरीके से। बट इनको थोड़ा सा हमें हल्के हाथों से हैंडल करना है। और ये देखिए, फिल होने के बाद में इसको मैंने फिर से हल्का हल्का सा घेर बनाया, और ये देखिए, और ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इनको बेल लेना है। और थोड़ा बहुत निकल जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको प्रेस करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पराठा बेल लिया है। ये देखिए, देखिए मैं आपको एक और बना के इस तरीके से दिखा देती हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से आपको बेलना है। अगर आप तेज़ हाथों से इसको बेलेंगे तो ये बिल्कुल फट के बाहर आ जाएगी, पूरा जो मटेरियल है आपका आटे में से बाहर आ जाएगा। तो इन्हें हमें बहुत हल्के हाथों से बेलना है, और घेर से घेर ज़रूर बनाना है उसका। आपको डायरेक्ट फिल करके और उसको बिल्कुल बेलना नहीं है, आप उसका पहले घेर बनाइए, उसके बाद ही आप उसको बेलिए। ये देखिए, मेरे बेटे को देसी घी में पसंद था, तो इसलिए मैंने देसी घी के पराठे बनाए उसके लिए। आप चाहें तो आप तेल ऑयल का भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं आप। ये देखिए, इस तरीके से अब आप अच्छे से अपने पराठों को फ्राई कर लीजिए, सेक लीजिए। ये देखिए, और आप इसी तरीके से इनकी पूड़ी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो पराठे ना बना के और पूड़ी भी रेडी कर सकते हैं। मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि इनकी पूड़ी भी हमें किस तरीके से बनाना है। ये देखिए, अच्छे से फ्राई कर लीजिए इस पराठे को। ये देखिए कितना क्रिस्पी, एकदम टेम्पटिंग बनकर रेडी हुआ है। और साथ के साथ में हम अब पूड़ी भी रेडी कर लेते हैं। चलिए, ये आपका पराठा बनकर तैयार है। और पूड़ी के लिए हमने छोटी लोई ली है और थोड़ा सा कम डो लिया है, और इसको हम इस तरीके से ही घेर बना के फिल करेंगे। और अगर आप आपको ज़्यादा लगे तो आप कम कर लीजिएगा, क्योंकि पूड़ी हमारी छोटी छोटी बनती है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से पूड़ी के लिए बना कर रख दिया था। ये देखिए, और हमने अच्छे से गोला बना लीजिए, और ये हल्के हाथों से हम पतली पतली पूड़ी बेल लेंगे। और बस अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। और ये जो मेरा ऑयल है, सुबह मैंने गिलकी के भजिए बनाए थे तो वही ऑयल था, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसमें मटेरियल रह गया है तो आप इग्नोर कीजिएगा। इस तरीके से हम ये पूड़ी टल करके निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी बिल्कुल टेस्टी टेस्टी पूरी बनकर रेडी हो गई है। ये दूसरी भी मैंने डाल दी है। ये देखिए, हमारी एक और पूरी तल कर रेडी हो गई है। ये देखिए, बस इसको भी हमें हल्के हाथों से ही फ्राई करना है। बहुत इनको एकदम आपको तेज तेज हैंडल नहीं करना है। ये देखिए, हमारे पूरी और पराठे दोनों ही बनकर रेडी हैं। और इसके साथ में खाने के लिए मैंने टमाटर की चटनी बना ली थी। जो हमारा मटेरियल हमने पीस के रखा था, उसमें मैंने टमाटर और ऐड करके एक बार और ग्राइंड कर लिया था। ये देखिए, और बहुत ही अच्छा लगा था खाने में। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगे थे। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बताइएगा आपको भी कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और ये आपको और आपके बच्चों को, सभी को बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।